हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे या घर पे मैनेज करेंगे। मैं बताती हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लीडिंग होना हो सकता है कि नॉर्मल हो, बट बहुत सारी चीजें जो एबनॉर्मल होती हैं। यानी कि यदि आपकी ब्लीडिंग 3 से 5 दिन की हुई है, जो परफेक्टली नॉर्मल है, और उसके बाद में 2-4 दिन तक थोड़े थोड़े धब्बे हो रहे हैं, यानी कि ट्रेलिंग डाउन की तरफ है, ब्लीडिंग का पैटर्न अब खत्म होने की तरफ है, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। किसी किसी पेशेंट को या किसी किसी लेडी को पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकती है। सेम इसी पैटर्न में प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग भी होती है, यानी कि पीरियड आने से 2 से 3 दिन पहले दाग धब्बे आना चालू हो जाते हैं, यानी थोड़े 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 स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट यदि और तीसरी एक चीज और नॉर्मल होती है कि महीने के बीच के दिनों में, यानी 14-15 डे के आसपास, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो जब हार्मोन्स का लेवल पीक पे पहुंचता है और उसके बाद में ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडा बन के फूटता है, तो उस टाइम पे भी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको मिड साइकिल ब्लीडिंग कहते हैं या ओव्यूलेशन ब्लीडिंग कहते हैं, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब लेकिन यदि आपको, जैसे आपका पीरियड आया, स्टॉप हो गया, उसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद से वापस से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, फुल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपको पैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पैड पूरा सोक हो रहा है, या फिर इतना हो रहा है कि आपको दिन में 1-2 बार आपको पैंटी लाइनर चेंज करना पड़ रहा है, तो वो एबनॉर्मल हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको थ्रू आउट स्पॉटिंग 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 चल रही है, वो भी एबनॉर्मल है। या आपको जैसे 10 दिन पे ब्लीडिंग आ गई, फिर 10 दिन पे आ गई, फिर 10 दिन पे आ गई, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। या आपको ब्लीडिंग चालू हुई लेकिन उसके बाद में वो टेपर ऑफ तो हो रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से टेपर ऑफ नहीं हुई है, तो इस तरीके से ये सारी ब्लीडिंग एबनॉर्मल होती है। नॉर्मल ब्लीडिंग की डेफिनेशन हम आपको बार बार पिछले वीडियोज में भी बता चुके हैं, जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 3 से 5 दिन की, यानी कि 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल होती है, 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में ब्लीडिंग आती है, वापस पीरियड्स आते हैं, वो भी नॉर्मल है। बीच के दिनों में ओव्यूलेशन की ब्लीडिंग नॉर्मल हो सकती है, बाकी इसके अलावा लगभग सब एबनॉर्मल होती है। तो यानी कि आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग की कोई समस्या लग रही है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कोई समस्या है, या बीच में दाग धब्बे आ रहे हैं, तो गायनी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप जरूर करवाइए, क्योंकि जब चेकअप करेंगे जब ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। जो कॉमन कारण होते हैं जिनसे कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उसमें सबसे पहला आता है हार्मोनल डिसऑर्डर, यानी कि किसी को पीसीओडी हो सकता है, या किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी को अनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग हो सकती है, या प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी सारी स्थिति में जब आपका हार्मोन लेवल चेक्स होंगे तो हमें पता चलेगा कि हार्मोन लेवल में कहाँ गड़बड़ है। दूसरा जो कॉमन कारण है वो हो सकता है कि सर्विसाइटिस हो सकता है, यानी बच्चेदानी के मुंह पे घाव का होना। जब भी बच्चेदानी के मुंह पे घाव होते हैं तो वहां से कभी कभी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग निकलती रहती है, स्पॉटिंग होती रहती है, जो कि इरेगुलर ब्लीडिंग का कारण बनता है। तीसरा कॉमन कारण है एंडोमेट्रियल पॉलिप या सर्वाइकल पॉलिप, यानी बच्चेदानी के अंदर मांस का बढ़ जाना, जिसको कि एक्स्ट्रा ग्रोथ बोलते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है अंदर वाली, उसकी लेयर का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, पॉलिप बन जाता है, तो उसकी वजह से बीच बीच में ब्लीडिंग होती है, उसके साथ में साथ पेन भी बहुत होता है, तो पॉलिप भी एक कॉमन कारण है। इसके अलावा यदि बच्चेदानी के अंदर, बच्चेदानी के मुंह पर कोई फाइब्रॉइड है, कोई ट्यूमर है, या फिर कोई कैंसर है, तो भी इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि ये जितना नॉर्मल है उतना सीरियस भी हो सकता है। यानी कि अगर दाग धब्बे आ रहे हैं तो उनको ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल नॉर्मल हल्के तरीके से लेके चलें कि अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ये जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि यदि कैंसर है और आपने उसको इग्नोर किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में हर चीज का इलाज संभव है, लेट स्टेज में यानी कि 4th स्टेज में हम लोग भी भगवान भरोसे हो जाते हैं, तो आप ऐसा ना कीजिए। कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ लगती है तो उसको डॉक्टर के पास जाकर सोल्यूशन करवाइए। हार्मोन टेस्ट करवाने से तो हार्मोन्स का पता चलेगा, लेकिन बच्चेदानी के अंदर और कोई प्रॉब्लम है तो जो आप गायनी डॉक्टर जो नीचे से एग्जामिन करती है, जिसको कि पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन कहा जाता है, वजाइना के अंदर स्कोप डाल के देखा जाता है कि अंदर बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव है, कोई पॉलिप है, या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरी जांच जो होती है वो पैप स्मियर होती है। पैप स्मियर सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो हर लेडी को 3 साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे कि बहुत ही शुरुआती अवस्था में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता लग जाता है और उसका इलाज भी संभव हो जाता है। चौथी जांच जो बच्चेदानी के अंदर देखने के लिए होती है वो है सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी एज यूजुअल जब हम बार बार बताते आए हैं कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इज द बेस्ट सोनोग्राफी फॉर द यूट्रस,
बच्चेदानी की सोनोग्राफी के लिए जो बच्चेदानी के रास्ते से जो सोनोग्राफी की जाती है वो ही सबसे बेस्ट होती है, वो MRI से भी बढ़िया होती है। उसमें पूरा क्लियर कट पता चल जाता है कि अंदर कोई पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, कोई ट्यूमर है या और कोई प्रॉब्लम है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आ जाती है, डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। और जब भी किसी बीमारी के लिए डायग्नोसिस बन जाता है तो इलाज संभव है, क्योंकि यदि आप बिना डायग्नोसिस के इलाज ले रही हैं, यानी कि आप अंधेरे में तीर चला रही हैं, जो कि नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो कभी लग सकता है कभी नहीं लगेगा। लेकिन 100% इलाज करने के लिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पॉलिप है तो पॉलिप को दूरबीन डाल के निकालना पड़ेगा, फाइब्रॉइड है तो उसको दूरबीन से निकालना पड़ेगा, अगर सर्वाइकल कैंसर है तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और यदि हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपको थायराइड की गोली लेनी पड़ेगी, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम है तो प्रोलैक्टिन के लिए जो गोलियां आती है वो लेनी पड़ेगी, और यदि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ही प्रॉब्लम है तो आपको जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है जो 21 दिन तक ली जाती है वो गोलियां आपको 3 से 6 महीने के लिए लेनी पड़ सकती है, जिससे कि आपका हार्मोनल बैलेंस सही हो जाए और आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाए, क्योंकि जनरली हार्मोन्स का प्रॉब्लम ही सबसे ज्यादा होता है। और उसमें जो 21 दिन वाली गोलियां होती है वो बहुत कारगर सिद्ध होती है, ओवेरियन सिस्ट का भी इलाज हो जाता है, हार्मोन्स के इंबैलेंस का भी ट्रीटमेंट हो जाता है, PCOD का भी ट्रीटमेंट हो जाता है, और जो नॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न सेट हो गया वो भी नॉर्मल में सेट हो जाता है, 3 से 6 महीने तक ये गोलियां लेनी पड़ती हैं। और यदि और कोई डायग्नोसिस निकला है तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये बीमारी है और ये इलाज है, जिससे कि आपको अननेसेसरी कोई एक्स्ट्रा इलाज, कोई एक्स्ट्रा दवाई, एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा और आप अपनी बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे यदि आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।